कितनी पढ़ाई करी है? कितनी पढ़ाई की? आई थिंक महारानी जो है वो एक परफेक्ट हीरोज आर्क है. कैसे एक इंसान की जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ हीरो, उसका प्रॉपर क्लासिकल जो रूट है वो है. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि सीजन 3 है और बहुत कम ऐसे शोज़ हैं इंडिया में जो सीजन 3 तक या आगे तक बन पाते हैं, तो एक बहुत ही रेयर अचीवमेंट है अपने आप में ही. तो हम लोग बहुत ऑफकोर्स खुश हैं कि हम इसका एक हिस्सा हैं. एंड 3 है तो और ज़्यादा स्टेक्स हाई होंगे, हमारे बीच की राइवलरी और हाई होगी. अभी आपने हमको जैसे बैठा भी दिया, ऐसे लग रहा है हम एक्चुअल में राइवल्स ही हैं. हाँ, बीच में माइक्स और साथ में बैठे हुए हैं, एक दीवार है, इनविजिबल एक वॉल है. बट नहीं, बहुत बहुत फुलफिलिंग जर्नी रही है और जितना प्यार इस शो को मिला है शायद ही मेरे किसी और काम को इतना प्यार मिला है. तो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि ऑडियंस इस कैरेक्टर, हम सारे कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी और इतना प्यार हमको मिला. उमा जी, उमा जी क्या कहेंगे, मतलब कि क्या रहा है आपका, तो मतलब कि क्यों आपने साइन किया था ये सीरीज और क्या रीजन था इसको साइन करने का? पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे. हाँ, कोविड के टाइम पे साइन किया था तो वैसे ही काम था नहीं, तो मैंने कहा अरे घर बैठे बैठे मेरी पहला जो मेरे लाइफ का सबसे पहला एक जो बोलते ना जूम पे आप इंटरव्यूज भी करते हैं आजकल, और मेरा जूम पे नरेशन हुआ था इसका, तो मैंने बोला कि ये तो ज़रूर करना पड़ेगा. और कहानी इतनी ज़बरदस्त थी, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सारे ही कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही अलग दुनिया. आई डोंट थिंक इससे अच्छा पॉलिटिकल सीरीज इंडिया में कहीं बना होगा. यू नो, जो हम इंटरनेशनल शोज की बात करते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया या क्वीन हो गया, द फिल्म हेलन मिरन की थी या द क्राउन हो गया, उस लेवल का एक जो शो है जो इंडिया में नहीं था. जबकि एज अ कंट्री वी लव आर पॉलिटिक्स, यू नो वी लव डिस्कसिंग क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स, दीज टू थिंग्स. तो आई एम सो ग्लैड कि हम उसका हिस्सा बने. तकरीबन कितने पैसे इकट्ठा कर ली होंगी महारानी? तुम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हो? नहीं, हमें सिर्फ जनता का प्यार चाहिए, वो तो मैंने मस्ती में बोल दिया. अरे सीएम की तनख्वाह क्या होती है यार, उतना ही मिलने वाला, कैसी बात कर रहे हो? टोल वाला वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, बता था कि ब्लैक ड्रेस पहनो टोल टोल करते, ब्लैक ना पहनो तो भी टोल करते. हां, टोलर का काम ही है टोल करना. करेक्ट, और हमारा काम है बस अपना काम करना, टोल करवाते रहना. अमित जी आप बताइए कि किस तरह से महारानी जी जो है बहुत ही नाक में दम करके रखा हुआ है इस पूरे सीरीज में, हमने देखा है. तो अब तो ये पढ़ाई करके भी आने वाली है भाई. देखो तो मेरा लग रहा है 3 में वो पूरे एकदम आर्टिकल के साथ में बात करेंगे, तो कितना तैयारी करने करके आप बातें करेंगे आप? मुझे जो कैरेक्टर मिला है ना करने के लिए, वो अगर महारानी नहीं होती तो होता ही नहीं. तो अगर ये तंग करना बंद कर देंगी तो मेरे को मार देंगे ये लोग शो में से यार. मैं तो चाहता हूँ और तंग करें ये, और तंग कर रही हैं और उसी में मज़ा है और खेल है उसमें, और उसी से ही स्टोरी आगे जा रही है. तो देखते हैं क्या होता है. अभी तो समझदार को इशारा ही काफी है. नहीं, आई थिंक बिल्कुल मैं इस बात से वाकिफ रखती हूँ कि जो चीज़ बातचीत से और दिमाग लगा के हो सकती है उसके लिए हाथ पैर क्यों चलाना. नहीं, लड़कियों को बोलने दो यार. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप दोनों से एक्चुअली जब कोई भी आप रोल प्ले करते हो तो आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हो, तो आपने रानी से और आपने नवीन से क्या सीखा था मतलब शो के दौरान? रानी से मैंने सीखा कि बहुत ही मुश्किल बात को बहुत अगर सरलता से बात उसको रखने की कोशिश करो तो की जा सकती है. हम ना बहुत बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं, और रानी क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, चौथी ही तक पढ़ी थी तो, और जब ये पॉलिटिकल दुनिया में आई, जब ऐसी दुनिया में आई जहाँ की समझ उसको नहीं थी, तो कैसे वो अपने तरीके से अपनी भाषा से अपनी समझ से उन बातों को डिस्क्राइब करती थी. जैसे मेरा बहुत फेवरेट एक सीन है सीज़न 1 से, कि जब वो पहली बार असेंबली में आती तो बोलती कि अरे इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री आप हमको काहे बना दी. नाउ एक्चुअली वो कितनी बड़ी बात बोल रही है,
यू नो अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. जैसे यहाँ पे भी आजकल देखो तो लड़कियाँ कम ही हैं यू नो, और पॉलिटिकल सीन में भी कम होती हैं, बट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. बट ऑफ कोर्स शी डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स और द कॉन्सेप्ट्स, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही थी. सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम रानी भारती. मैंने ये सीखा है कि क्या नहीं सीखना चाहिए क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो ये इंसान है. तो पहले भी मैं वो नहीं था जो ये इंसान है. अब उस पर ठप्पा लग गया है कि मैं एकदम सही जा रहा हूँ लाइफ में, इससे कुछ सीखने की जरूरत नहीं. आपको अच्छा लगता है या यही क्वेश्चन पूछने से मना किया था? यही मना किया था ना, ये नहीं पूछ सकते. पूछ लिया क्या? रियल लाइफ में ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसको आप इंस्पायर करते हैं? मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ लीडर्स को. मुझे क्या पता यार, हम एक्टिंग आप लोग छोड़ते नहीं हो हमारे. यार हमें स्क्रिप्ट पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तो लीडरशिप की बात. और फिर किसी एक का नाम लेंगे तो बाकी खफा हो जाएंगे. तो आप क्यों फंसाने के सवाल पूछ रहे हो? हाँ आप, मैं हंसती खेलती आपको नजर नहीं आती. यार देखो, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं कि मैं लोगों को मार्गदर्शक दूँ कि आप कैसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करें. मैं ये बोलती हूँ चाहे लड़की हो या लड़का हो, आप लाइफ में जो करना चाहें, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आपको जो करना है आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. और यू नो आप कोशिश कीजिए कि आप जिस भी फील्ड को चूज़ करें उसमें आप अपना बेस्ट कर सकें. सो दैट इज़ ऑल आई लाइक टू से. नहीं बता सकते ना अभी यार, अभी कैसे बता दें? ये है लिखा हुआ इतना बड़ा डायलॉग. आप बताना चाहेंगे कोई डायलॉग? ये इनका फेवरेट है, वो भाई साहब का वहाँ पे कि जब एक और बड़ा बड़ा फेवरेट है कि मैं समझ, मुझे याद आ गया, ये धीरे धीरे ना कुरेदता रहता है जब तक इंसान तंग हो के ना इसकी बात का जवाब देते. यही तो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी मेरा फेवरेट है. वो टीजर में भी था ना वो कि हम जब चौथी फेल थे तो आप सबकी नाक में दम कर दिए थे, अब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो क्या होगा आप सबका? बहुत बुरा होगा. बहुत बुरा होगा भाई. और नवीन सर का कोई फेवरेट डायलॉग इसलिए क्योंकि करते हैं कुछ याद नहीं. चलिए 7th ऑफ मार्च को स्ट्रीमिंग होने वाली जी, आपके फैंस के लिए प्लीज देखें. बहुत मेहनत से बनाया है और बहुत सीरियसली बनाया है. कोई हंसी मजाक करना अलाउड नहीं था सेट पे. और आप लोग इतने सीरियसली मत देखिएगा, बट देखिएगा जरूर 7th मार्च को सोनी टीवी पे. थैंक यू. 7th मार्च आल्सो वुमेन्स डे, प्लीज़ वॉच महारानी. हमने बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है. बहुत कम एक्टर्स को टीम्स को मौका मिलता है कि वो एक कहानी को उसके सीजन 3 तक लेके जाएं. तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपने हमको इतना प्यार दिया. थैंक यू वेरी मच.